पीओके से लोगों का भागना शुरू। पाकिस्तान की खस्ता हालत का शिकार न बन जाए इसलिए पाकिस्तान और पीओके को छोड़कर विदेश भाग रहे हैं लोग, या फिर पीओके छोड़कर भागने का कोई और ही कारण है? क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, 2022 में पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या 8,32,339 है। ये संख्या 2021 के मुकाबले 200% ज्यादा है, और ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो पाकिस्तानी सरकार के तलवे चाटते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है ये तो पूरी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान में महंगाई 200 गुना बढ़ गई है, आम लोगों के वेतन में कटौती हो रही है और रोजमर्रा का खर्चा बढ़ रहा है। पाकिस्तान के जितने भी देश दोस्त हैं उन सभी ने पाकिस्तान की फाइनेंशियल मदद की है, मगर फिर भी पाकिस्तान के हालत में कोई सुधार नहीं है। IMF भी पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख अपना चुका है। पाकिस्तान के ऊपर IMF का जितना कर्ज है उससे 3 गुना ज्यादा कर्ज चीन का है, इसलिए चीन पाकिस्तान का खूब फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के लाले पड़ रहे हैं, जिसके कारण आज पाकिस्तान के लोग गैस चोरी करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। बिजली की कीमत को 8 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट को और भी ज्यादा बढ़ गया है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की करेंसी 25% तक गिर गई है। इसी हफ्ते पाकिस्तान में पायलट्स ने भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के खर्च को काबू करने के लिए पहले ये घोषणा की गई थी कि इस बार पायलट की सैलरी में जरा भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, और अब ये घोषणा कर दी गई कि पायलट की सैलरी से 35% कटौती की जाएगी। इस घोषणा के प्रति पायलट्स के प्रतिनिधित्व करने वाले पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन यानी PALPA ने काफी तीखा रिस्पॉन्स दिया और एयरलाइंस मैनेजमेंट को चेतावनी दी कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। घोषणा के तुरंत बाद ही 30 पायलटों ने इस्तीफा दे दिया और कई जरूरी फ्लाइट को रोकने की नौबत तक आ गई। यानी अब पाकिस्तानी पायलट्स विदेशी एयरलाइन से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और किसी और देश में जॉब तलाश कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अमीर लोग भी देश छोड़कर जा रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान में अपने कारोबार खराब होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया है। शहबाज की सरकार ने टैक्स लगाकर और सब्सिडी को खत्म करके 170 अरब रुपए जुटाने का ऐलान किया है, और उसी के बाद से ही कारोबारियों को होने वाले घाटे नजर आने लगी थी। वैसे तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शहबाज के इस फैसले को मंजूर नहीं किया था, लेकिन उसके बाद शहबाज की सरकार ने तरह तरह के नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए। कोल्ड ड्रिंक पर 20% टैक्स, लग्जरी आइटम में 25% टैक्स, मोबाइल के दामों पर 25% की बढ़ोतरी और GST की दर को और भी बढ़ा दिया गया है। टैक्स देने वालों से 10% एडवांस टैक्स वसूला जा रहा है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का सारा बोझ पाकिस्तान के लोगों और व्यापारियों के ऊपर आ गया है, इसलिए ये लोग अब पाकिस्तान छोड़कर जाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। और पाकिस्तान के अमीर लोगों के पीछे पाकिस्तान में विदेशी कंपनियों के जो प्लांट्स हैं वो भी पाकिस्तान छोड़कर निकल गए हैं। इस समय पाकिस्तान की महंगाई दर 31.5% है, जो पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है, जिसे देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट बंद करने की घोषणा कर चुकी हैं। अभी हाल ही में होंडा कार्स ने अपना पाकिस्तानी प्लांट बंद कर देने की घोषणा कर दी है। होंडा ऑटोमोबाइल्स को असेंबल करने वाली ये कंपनी बुधवार को यह सूचना दे चुकी है कि सप्लाई चेन में काफी दिक्कत आ रही है। दोस्तों, कल पुर्जों का आयात रुकने से ऑटो कंपनियां कंपोनेंट्स और पार्ट्स के किल्लतों को कई समय से झेलती आ रही हैं, जिसके वजह से इससे पहले जापान की सुजुकी मोटर्स यानी PCMC ने भी कुछ समय के लिए प्रोडक्शन प्लांट को बंद करने की घोषणा कर दी थी। सिर्फ ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि छोटी मोटी कंपनियां भी पार्ट्स के इस शॉर्टेज का सामना कर रही हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में लंबे समय से प्रोडक्ट्स की मांग भी बहुत कम हो चुकी है। कंपनियों द्वारा बनाए गए कार्स, बाइक्स जैसी चीजों को खरीदने वाले खरीदार नहीं बचे हैं। एक तो यहाँ कोई भी बड़ी कंपनी अपने लेटेस्ट मॉडल को नहीं बेचती, यहाँ पर सिर्फ 10 साल पुराने मॉडल्स ही बिकते हैं, जिन्हें ये कंपनियां बाकी देशों में बनाना बंद कर चुकी हैं। साथ ही पीओके के लोग इसलिए पीओके को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट ने उनके अंदर डर पैदा कर दिया है। दरअसल एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोशिश करता है तो PM मोदी के नेतृत्व में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा करारा जवाब मिल सकता है।
ये रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया विभाग ने अमेरिका के संसद में भी पेश किया है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी सरकार को कह दिया है कि पाकिस्तान को बता दीजिए कि अगर कायदे में पाकिस्तान रहेगा तो फायदे में रहेगा। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बात कह दिया है कि इस वक्त भारत में नरेंद्र मोदी है, इसलिए अपनी कदम हैसियत रखकर उठाइए। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोशिश करता है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत तुरंत पूरी ताकत से जवाब देगा। अमेरिका के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में अगर अशांति या भारत में एक और आतंकी हमला होता है तो इस सूरत में भारत पाक के बीच युद्ध होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान के कई आतंकवादी पीओके में एक्टिव हुए हैं, इन्हीं को देखकर अमेरिका ने ये रिपोर्ट दुनिया के सामने साझा की है। साथ ही आपको याद होगा कि कई बार हमारे देश के तीनों सेना ने यह ऐलान किया है कि बस एक बार हमें हुक्म करें हम अपना पीओके वापस ले लेंगे। यही कारण है कि पीओके के लोगों में यह डर बैठ गया है कि अगर आतंकवादियों ने भारत पर हमला कर दिया तो सबसे पहले भारत की तीनों सेना पीओके पर ही हमला करेगी ताकि उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जा सके। यानी यह साफ है कि पाकिस्तान का एक कदम भी उसे सिर्फ उसके तबाही के तरफ ही ढकेलेगा। दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।